इस वीडियो के माध्यम से हम जो है तुम्हें एक डेमो वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चे को एग्जामिनर के सामने बातचीत करनी चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं होती, वीडियो देखने के बाद ना आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि वाइवा जो है या इंटरव्यू वगैरह किस तरीके से दिया जाता है। वो भी आप ही की तरह इंसान ही होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं अलग तरह से आ गई। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा जो मैटर है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखो यहाँ किस तरह से क्वेश्चन में करूँगा, है ना। तो जब भी आप एक तो बाहर से आएंगे या एग्जामिनर के सामने आपको बैठना नहीं है जब तक वे आपको कहें ना। अगर वे आपको बैठने के लिए कहेंगे तो बैठना है, नहीं तो खड़े रहना है। और जो आपके जो हाथ होंगे वो पीछे बने हुए चाहिए एग्जामिनर के सामने, ये तरीका है। दूसरा, यूनिफॉर्म में आपको जाना चाहिए, जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं उसी की ड्रेस जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप जाएंगे एग्जामिनर के सामने तो कहीं बाहर आपको हबड़ दबड़ में चार्ट ले जाना जो है, ध्यान ना रहे तो आपको चार्ट लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये आपको बात जो ध्यान रखनी है वो, ठीक है। हाथों को, पैरों को, उंगलियों को चलाना नहीं है और नहीं अजीबो गरीब हरकत करनी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़े होना है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने जो आपको ये बात सारी की सारी बता दी, तो सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? शुभम, ठीक है। और आपका नाम? हर्षित। तो शुभम और हर्षित, आपने ये दोनों ने जो है ये चार्ट बनाया, इसका नाम क्या है? डेनियल सैर। तो रसायन विज्ञान के पहले पार्ट का नाम बता दो क्या मुझे? बताओ, तुम बताओ शुभम। विलियन, ठीक है। और तुम्हारा? विलियन। अच्छा, तो आपने कुछ तैयारी की है बोर्ड एग्जाम के लिए? कुछ ऐसा टॉपिक जो आपने याद कर रखा हो जो आप मुझे बता सकते हो इसके अलावा? क्योंकि देखो बच्चों, आजकल तो एक क्रेज है कि बच्चों को सबको पता होता है कि भाई चार्ट बना लो तो क्वेश्चन सारे के सारे जो है चार्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा अलग से बताओ, आपने विलियन वाले चैप्टर में कुछ पढ़ा हो, कुछ आपके याद हो तो वो मुझे बता सकते हो? आप अपने हिसाब से सुना दो जो भी आपको याद हो। कि जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल, तो डैनियल का क्या मतलब है यहाँ पर? कोई बात नहीं, डरो ना, बताओ, गलत बताओ। डैनियल का क्या मतलब है भाई, आप बताओ। डैनियल एक वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पर, है ना। तो इसी वजह से जो है इन्होंने इसका खोज किया, इसके बारे में हमें बताया, है ना। तो डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, ये सब की सब जो है सेम ही होती है। तो इसमें आपको जो डैनियल सेल है ये बताना है कि जो सेल होती है, तो लेक्लांचे हो या डैनियल हो या वोल्टीन, तो सबका वैज्ञानिक है। तो इसी वजह से इसका नाम हमने डैनियल सेल जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ, ये क्या चीज है, ये किस पदार्थ के बने हुए हैं? हर्षित तुम बताओ, ये किस पदार्थ के बने हुए हैं? कांच के बने हुए हैं। अच्छा, ये लवण सेतु के बारे में बता सकते हो मुझे? लवण सेतु क्या होता है इसमें? लवण सेतु हमने क्यों लगाया है? और आपने इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है अपने डायग्राम में। यहाँ पर जो है लवण सेतु के लास्ट में यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है कॉटन वगैरह लगाना होता है, रुई वगैरह लगाना होता है, तो वो भी आपको लगाना चाहिए था। अगर आप वो रुई वगैरह नहीं लगाओगे तो उसके अंदर जो केसीएल वगैरह भरा हुआ है ना, तो वो दोनों जगह जो है चला जाएगा। और लवण सेतु में हमेशा जो ब्रिज होता है, जैसे पुल देखना है अपने पुल, तो जो पुल का काम होता है ना, तो सेतु तो वही है, ब्रिज है ना। और लवण का मतलब जो दोनों के लवणों को जो है एक तरीके से इनकी सांद्रता को बनाए रखता है, तो सांद्रता को इक्वल करने के लिए ही हम यहाँ पर लवण सेतु का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ वोल्ट मीटर क्या है यहाँ पर? वोल्ट मीटर का क्या काम है? धारा, तुम बताओ शुभम, वोल्ट मीटर का क्या काम है यहाँ पर? चलो ये बताओ, ये कैथोड क्या है? कैथोड, अच्छा तुमने कैथोड को गलत बनाया है, सही है, कैथोड प्लस ही होता है। हर्षित, कैथोड प्लस ही होता है, हर केस में एनोड माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है। कोई बच्चा बता सकता है मुझे, कैथोड क्या प्लस होता है? नहीं, केवल डैनियल और वोल्टियस सेल के लिए ही ये प्लस का काम करेगा। जितनी भी हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल होती है, समझ लो सब, तो विद्युत अपघटनी सेल में जो है ना कैथोड माइनस का काम करता है ज्यादातर केस में, और एनोड प्लस का काम करता है। लेकिन ऐसा केवल डैनियल सेल के लिए ही है कि जिसमें कैथोड प्लस का काम करेगा और एनोड जो है वो माइनस का काम करेगा, ठीक है जी। अच्छा, हमेशा आपको समझना चाहिए कि माइनस की तरफ से जो है ना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और प्लस की तरफ चलते हैं, ठीक है। और आपने जो यहाँ पर जो विलियन लिए हुए हैं, तो लवण है, कॉपर सल्फेट है,
और इधर है जिंक सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रेडॉक्स रिएक्शन भी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है दोनों के पास, यानी कि एक से जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक इन्हीं इलेक्ट्रॉनों ग्रहण कर लेता है। क्या मुझे वो समीकरण लिख के दिखा सकते हो कि कौन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? तो ZN जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और जो कॉपर है वो आपका कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब कॉपर के ऊपर जो है कहीं ना कहीं निगेटिव की बात करेगा, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा एक बार और पढ़ के देख लेंगे आप लोग। चलो जी, तो ये आपने तीनों ने जो है मिलके बनाया है। तो आपका नाम देवराज है और आपका शुभम और हर्षित। तो ठीक है भाई, आप लोग मुझे ये बताइए, पहले मैं क्वेश्चन देवराज से कर लूंगा। देवराज भाई, आपने जो है पहले रंग का जो लिया है, क्या आप आर्ट के स्टूडेंट हो जो आपने पहले रंग का लिया है चार्ट? नहीं सर, मुझे जरूरी नहीं लगा कि कौन सा कलर, जो मार्केट में भी मुझे यही कलर मिला था तो इसलिए मैंने। अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की यही भावना होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप कौन सा कलर ले रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा शुभम, ये बताइए कि डायग्राम आप में से तीनों में से बनाया किसने, या तीनों ने मिलकर बनाया साथ बैठ के? सर ये मैंने बनाया, लेकिन इनकी हेल्प के लिए मैंने भी साथ लिया। अच्छा अच्छा, ये जो कारीगरी है वो सारी की सारी देवराज जी की है ना? तो ठीक है भाई देवराज, आप पहले मुझे बताओ कि बोर्ड के लिए आपने क्या तैयारी की? सर तैयारी तो बहुत की है, लेकिन बताई नहीं जा सकती कि क्या क्या टॉपिक किया गया। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम मुझे बताओ पहले पार्ट का नाम क्या है रसायन विज्ञान के? विलियन है। शुभम, दूसरे पार्ट का नाम बता सकते हो? कोशिश करो थोड़ा सा, दूसरे पार्ट का नाम विद्युत रसायन। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, ये देवराज जी ये बताओ, डेनियल सेल का नाम डेनियल ही क्यों रखा हुआ है? सर ये डेनियल नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी, इसलिए इसका नाम डेनियल रखा। अच्छा, तो आप बताइए मुझे, ये जो डेनियल है इसको हम डेनियल सेल ना कह के अगर दूसरे नाम से हम इसको जो है बुलाना चाहें तो क्या बुलाएंगे भाई? तुम बताओ, दोनों बताओ, आपस में अगर बहस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो कोई नहीं, ये बताओ आप दोनों बताओ, ये लवण सेतु का क्या काम है, यहाँ लवण सेतु क्यों लगाया है? साम्यवस्था स्थापित करने के लिए। अच्छा, यानी कि कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए है ना? चलो ठीक है।